राम राम जी, जय जवान जय किसान। कैसे हो आप सभी? सबसे पहले तो हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में गए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी जितने लोग अभी बचे हुए हैं सभी मेडल लेकर के आएँ। अगर वो मेडल नहीं भी लेकर के आते तब भी हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। बाकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो भागीदारी बहुत ज़्यादा अच्छी से अच्छी रहे। और एक मोदी जी ने बड़ी आपत्ति जताई है, संसद में विपक्ष का आचरण जनता और संविधान का अपमान, मोदी जी ने कहा। आपको भी बहुत अच्छे से पता है, सभी ने देखा होगा। मैं ये पूछना चाहूँ तुमसे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री हो आप, जिस टाइम किसान आंदोलन में 400-500 से भी ज़्यादा किसानों की शहादत हुई थी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी थी, तो बीजेपी के नेताओं ने तालियां बजाई थी। कभी किसी दुश्मन को भी श्रद्धांजलि देते हैं तो हमारा भारत देश ऐसा है, या कोई और भी देश अगर है तो उनको इस तरीके की हरकत नहीं करते हैं। जैसे विपक्ष के नेता ने कि जब तो आपके जो है एक शब्द भी नहीं निकला, हाँ अब आपको नज़र आ रहा कि ये अपमान की बात है और ये उसकी बात है, तो क्या आप जब प्रधानमंत्री नहीं थे देश के, या अब आप देश के प्रधानमंत्री हो, या सिर्फ बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री हो? तो ये पूछना चाहते हैं, मैं ही नहीं पूरा देश पूछना चाह रहा है। कम से कम भी 50-100 लोगों की कॉल आ गई कि पूछो पूछो, हम भी पूछ रहे हैं। तो बहुत लोग हैं जो पूछना चाहते हैं इस बात को, क्या जब अपमान नहीं हो रहा था संसद का, संविधान का, संसद के अंदर, और जब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब उन्होंने गांव की औरत कह करके बीजेपी के नेताओं ने उनका अपमान करा, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या वो संसद नहीं थी? वो संसद बदल गई क्या जब ये संविधान लागू नहीं होता? या अब जब आपके प्रति कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, आप जब आपको जब ही याद आता है, तो ये पूछना चाहते हैं हम लोग। तो जवाब देने के लिए आइए, बैठिए कहीं पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। हाल तो सारे क्रेडिट आजकल आप ही ले रहे हैं, और इनको भी नहीं पता आपके नेताओं को कि ये कर क्या रहे हैं। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक चला हुआ है, हमारे देश के, हमारे भाई बहन, हमारे अपने परिवार के लोग ओलंपिक में गए हुए हैं मेडल लाने के लिए। ओलंपिक में मेडल ले के आई हैं मीरा जो है, मीरा भाई चानू, देखिए उनको बुलाया। अच्छे से ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, और मैं इसको पढ़ के भी बताऊँगी अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो। ये देखिए ये क्या लिखा है इसमें, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू का अभिनंदन समारोह, धन्यवाद मोदी जी मीराबाई चानू को मेडल दिलाने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, और ये जो इनके इस तरीके के अंधभक्त हैं, क्या मोदी जी गए थे वहाँ पर खेलने के लिए? क्या मोदी जी ने मेडल दिलवाया? मीराबाई चानू की कोई मेहनत नहीं, उनका कोई संघर्ष नहीं? जो धन्यवाद मोदी जी की आपने मेडल दिलवाया, क्या मोदी जी की इतनी बड़ी दाढ़ी ने मेडल दिलवाया मीरा भाई चानू को? उनकी संघर्ष, उनका मेहनत, उनका ताप तप जो था वो कुछ नहीं है? तो इतने गिर गए आपके नेता, आप कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। अरे कम से कम ये तो बोल देते ये मीरा भाई चानू या कोई भी है जितने भी मेडल आए, तो ये मेरा धन्यवाद मत करो, देश की जनता को उनका धन्यवाद स्वागत करना चाहिए, तुम्हारे जैसे नेताओं को भी करना चाहिए कि हमारे देश की बेटी ने मेडल लेकर के आई है, हमारे देश की बेटी मेडल लेकर के आई है, तो मैं उनका धन्यवाद करूं कि हमारे देश का नाम रोशन हुआ। और आपकी पार्टी के लोग आपको भगवान बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो क्या आपको ये चीज़ शोभा दे रही है? अब तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, अब आपके बड़े बड़े जो प्रवक्ता हैं वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये पूछना चाहती हूँ मैं भी, और पूरा देश इस बात को पूछना चाहता है कि ये मेडल आपने दिलाए हैं, मतलब मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि कहीं आप ये ना कह दें कि हमारे माननीय मिल्खा सिंह जी जो थे उनको भी मेडल आपने दिलवाया, उनको भी रेस में आपने दौड़ाया, और आपके ये कार्यकर्ता ना कह दें इस चीज़ को। मैं बड़ी सोचने पर मजबूर हो गई हूँ, क्या करूँ, सोचने पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने मजबूर कर दिया। और हमारे जो देश में नम्रता को लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं मेधा पाटकर जी ने, आज उन पर बड़ी मुश्किल की घड़ी है, और सुबह ही मैसेज आया कि उनके आंदोलन जो कर रहे थे उनके सारे सामान को भी जब्त कर लिया प्रशासन ने, 17 तारीख को मध्य प्रदेश में इंदौर में आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं उनका सहयोग करने के लिए, और जितने भी आसपास के मध्य प्रदेश के लोग हैं सभी आवें
उनको सहयोग करने के लिए, क्योंकि ऐसी नारी देश में बड़ी कम हुई है। नारी ऐसी हुई है जो कुर्सी ले लेकर बैठ जाती हैं, बड़ी कम नारी ऐसी हुई हैं जिन्हें किस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें आवाज़ उठाने से। संघर्ष वहीं पर आंदोलन चल रहा था, उनका सामान भी जब्त कर लिया गया और उनको बहुत सारे पुलिस वालों ने घेरा हुआ है बहुत भारी तादाद में। तो हमारे यहाँ से जा रहे बहुत सारे किसान नेता उनको समर्थन करने के लिए, सुबह ही फ़ोन आया, माई का बात हुई माता जी से, तो हम भी उनको जा रहे हैं 17 तारीख में। जितने भी मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत दूर दूर के लोग भी वहाँ पर पहुँचे ताकि उनका सहयोग हो सके। एक इतनी उम्र की, उसमें देखा इतनी उम्र की महिलाएं भी हैं, उनको इतनी सारी गंभीर चोटें भी आई हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके जो सामग्री थी वहाँ पर खाने पीने की या कोई भी चीज़ थी, उनको सभी को जब्त कर लिया प्रशासन ने। तो उनका सहयोग करें सभी, उनका सभी सहयोग करें। और आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी से करो ना सवाल। सबसे बड़ा सवाल तो मेरा आज का, ये दो सवाल मेरे सबसे बड़े हैं। एक तो ये कि अब उनको संसद में अपमान दिख रहा है, जब कहाँ थे, जब हमारे किसान आंदोलन में शहीद हुए हमारे भाई, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी राहुल गांधी द्वारा, विपक्ष नेता, चाहे पक्ष श्रद्धांजलि दे चाहे विपक्ष श्रद्धांजलि दे, तो ये क्या था? आप शोर शराबा कर रहे थे, श्रद्धांजलि तक नहीं दे रहे थे। क्या वो संसद बदल गया? क्या वे नेता बदल गए हैं? क्या जब संविधान नहीं है? एक मेरा ये सवाल है, एक ये सवाल है कि जो हमारे देश की लड़कियां हैं वो मेडल ला रही हैं, उनकी मेहनत, उनका बलिदान, उनका तप, उनका कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। कि धन्यवाद मोदी जी मीराबाई चानू को मेडल दिलाने के लिए। आपके राज्य में बेरोजगार, महंगाई, रेप, हत्याएं जो हो रही हैं, उसका भी क्रेडिट आप ही ले लो, जैसे मेडल लाने वालों का क्रेडिट आप ले रहे हो। और जब बीमारी में इतने लोगों की शहादत हुई थी, जब आप नहीं दिखे थे, जब आप बिल्कुल नहीं दिखे थे, आप उससे लोग रूबरू होना चाह रहे थे, आपको सुनना चाह रहे थे कि कब देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को, पब्लिक को संबोधित करें, लेकिन आप गायब थे। और मैंने बोला था 1000 वीडियो में, कोरोना की मौतों के ऊपर बहुत बोला था मैंने कि अब कोई नेता नहीं दिखेंगे, अब कोई नेता नहीं दिखेंगे, क्रेडिट लेने के लिए नहीं आएंगे, जो कोरोना में मौतें हुई बाद में दिखेंगे। जैसे कोरोना की लहर धीरे धीरे कम होगी, मृत्यु कम होंगी कोरोना से, बीमारी से, महामारी से, तो जब आएंगे आप लोग क्रेडिट लेने के लिए। तो अब आप इतने बड़े बड़े बैनर लगा रहे हो, मैं तो सोच रही थी कि, मैंने अभी 2 दिन पहले लाइव करा था कि देखते हैं हमारी बहनों का मेडल आया हुआ, हमारे स्पोर्ट्स परिवार से मेडल आया हुआ, कितना आप उनका सम्मान करते हो, कितने होर्डिंग लगाते, हमें थोड़ी पता ही, ये तुम्हारे अंधभक्त ऐसी वो करेंगे कि धन्यवाद मोदी जी मेडल दिलवाने के लिए मीराबाई चानू को। अरे शर्म करो, देश की बेटी ने मेहनत करी है, तुम्हारे मोदी जी की दाढ़ी बड़ी देख करके नहीं उनका मेडल आया, मेहनत करी है दिन रात उन्होंने। हालात क्या थे 4 दिन बाद के देखते, अगर इतनी सुविधा ये खेल वाले बच्चों को देते, आप उम्मीद तो करते हो जलेबी की है, और क्या बोलते फैसिलिटी देते नहीं दही भल्लों की भी, इतने लोगों के मेडल कब आएंगे? तब आप फैसिलिटी दोगे तभी तो आएंगे। इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी जो है हमारे जॉब पे भी नहीं है, कितने खिलाड़ी हमारे जॉब पे नहीं है, अगर आप उन्हें जॉब दोगे 2014 के बाद कितने लोगों की, स्पोर्ट्स पर्सनों की जॉब लगी है, निकाल कर देखो रिकॉर्ड। अगर आप फैसिलिटी दोगे तो हर घर में से मेडल निकलेगा। शूटिंग की प्लेयर को पिस्टल कैसी दी, ये तो आप करते। 8 महीने जनता और संविधान का अपमान नहीं हो रहा जब आपके लोग कर रहे हैं, जगह जगह जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, जगह जगह आप शासन जो है दबाव बना रहा प्रशासन पर, प्रशासन से लोगों को पिटवा रहे, लाठी चार्ज करवा रहे, जब नहीं संविधान का अपमान हो रहा। आप ज़्यादा ये ऐसे ऐसे व्यक्ति संविधान सिखाएंगे जिन्हें संविधान का सह भी नहीं पता, जिन्हें ये भी नहीं पता संविधान में ये भी लिखा कि आप अपने अधिकार के लिए बोल सकते हो, जिन्हें ये भी नहीं पता आर्टिकल इसमें इतना ये कुछ लिखा हुआ है कि आप अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हो, आप लोकतंत्र का अधिकार कहता है कि आप आंदोलन कर सकते हो, जिन्हें ये नहीं पता संविधान का, वे संविधान सिखाएंगे। अब वे देखिए, एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि हाल तो आपको पता, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया अपने ऑफिस पर, तो वे क्या हमें देशभक्ति सिखावेंगे। 15 अगस्त पर मेरी सभी से अनुरोध है कि आप इनके साथ में शांति से करना जो भी बात आप करें, नहीं तो ये इस चीज़ को 26 जनवरी से जोड़ देंगे कि 26 जनवरी पर किसानों ने उपद्रव करा, और इस तरीके की झूठ झूठ फैला कर मीडिया तो वही दिखावेगा कि आप आम कैसे खाते हो मोदी जी, शर्म नहीं आती ऐसे पत्रकारों को, लिहाज नहीं आती, आप यहाँ आम खाने के लिए पूछने के लिए बैठी हो, जनता इतनी मर रही है, इतनी परेशान हो रही है, पूछ नहीं रहे हो, शर्म आती है आप जैसे पत्रकारों पर। मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्हीं चीज़ों का खा रहे हो, आपको आवाज़ें दबानी आती है,
ये आवाजें दबने वाली नहीं है, क्योंकि देश जो भारत है हमारा, भारत देश एक ऐसा देश है इसमें आवाज कभी सच की दबी नहीं। तो शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकारों को कि आप काम क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो। और जो पांच देशों के जो प्रधानमंत्री है ना, उनमें गिनती हुई है इनकी मीडिया पर पाबंदी लगाने पर कि ये मीडिया सच दिखा रहा है, डंका बज रहा है पूरा। तो जो अंधभक्त हैं वो इस बात को समझें, और मेरी रिक्वेस्ट है परमात्मा आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, और सभी देशवासियों से अनुरोध है दुआ करें कि हमारे इतने लोग, इतनी हमारी बहन, इतने भाई हमारे ओलंपिक में खेलने के लिए जा रहे हैं, वो अपना अच्छे से अच्छा ही प्रदर्शन देंगे, लेकिन उनका हौसला बढ़ावें। सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।